जंगल वृक्षों से भरी एक ऐसी जगह है जिसमें कोई चल के जा भी ना सके। यहाँ पर हम 200 स्क्वायर मीटर में एक ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिसका इस साल नाम दिया गया गुरु नानक सेक्रेट फॉरेस्ट, गुरु नानक पवित्र जंगल। लुधियाना के मतेवाड़ा जोन में आज हम गुरु नानक सेक्रेट फॉरेस्ट लगा रहे हैं। ये हम दिखाते हैं, हमारे पास एक माउंट बिल्कुल तैयार है जो करीब 80 स्क्वायर मीटर का है। इसमें 550 डिवाइडेड बाय 2, सो के अराउंड 280 ट्रीज इसमें लग जाएंगे। तो हमारे घरों में हम लॉन लगाते हैं, बगीचे लगाते हैं, बैकयार्ड होता है, कई बार खाली पड़ा रहता है। इन सब छोटी छोटी जगहों पर भी एक ऐसा जंगल लगाया जा सकता है जिसे न पानी देने की जरूरत पड़े, न खाद देने की जरूरत पड़े, और जंगल में उगने वाली तमाम चीजें इन जंगलों के पेड़ों पर भी उगेंगी। तो जब ये किया जा सकता है तो हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे, जिनके लिए हम सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे जोड़ रहे हैं, उनके लिए चंगी सांस, अच्छी सांस भी जोड़ सके। अब तक 3-3.5 महीनों में 18 फॉरेस्ट लग चुके हैं। कई सारे ऐसे घर हैं जिसमें हमने 100 पेड़ों का जंगल लगाया है, 50 पेड़ों का जंगल लगाया है, और बहुत छोटी सी जगह। छोटे छोटे फॉरेस्ट लगाने से ये होगा कि हर जगह पे इसके मॉडल एस्टेब्लिश होंगे और लोगों को इनके बारे में जागरूकता होगी, और जब छोटे से शुरू करेंगे तो बड़े पे पहुंचेंगे डेफिनेटली। इन छोटे छोटे लंग्स से हमारे हर गांव में और हर शहर में कुछ ना कुछ प्योरिटी ऑफ एयर, प्योरिटी ऑफ वाटर और प्योरिटी ऑफ सॉयल जरूर बनेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आपकी आबोहवा अच्छी हो जाती है। सुबह सुबह आप चिड़ियों की चहचहाहट से उठो, जब आप अपने घर में बैठे हो तो आपको एक जंगल के जैसी ताजी शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिले। आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो बोरवेल है, गर्मियों में सूख जाता है, पानी नीचे चला जाता है, वो होना बंद हो जाए। और ये जो धूप हमें लगती है गर्मियों में, फिर हम एसी चला के अपने घरों को ठंडा करते हैं, वो अगर प्राकृतिक रूप से ठंडे होने लगे, तो ये सारे फायदे आपको एक छोटा सा जंगल लगाने से मिलने लगेंगे। इस तरह का डिस्कनेक्ट आ गया है जब से हमारी अर्बनाइजेशन हुई है। हम इस डिस्कनेक्ट के कारण हम जो भी बीमारियां भुगत रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन देख रहे हैं, सिर्फ से सिर्फ उस डिस्कनेक्ट के कारण है। और इनसे रिकनेक्ट करना है तो नेटिव स्पीशीज को रिवाइव करना होगा। हम लोग को वो जंगल वापस लेके आने हैं जो यहाँ के देसी जंगल है, मूल जंगल है, प्राकृतिक रूप से उगते चले आए हैं। ये 6-8 महीने में हमारे आई लेवल तक आ जाएगा, मतलब आप इसके आर पार नहीं देख पाओगे 8-10 महीने बाद। तो 2-2.5 साल में हम कह सकते हैं कि ये जंगल पूरी तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग, मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा। 10 साल में उगते उगते ये इतना बड़ा दिखने लगेगा कि जैसे कि 100 साल पुराना जंगल। और उस स्टेज पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये थोड़े बड़े एरिया में लगाओ, कि ये बारिश के बादलों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, तो यहाँ पे बारिश भी बढ़ा सकता है। जंगल एक ऐसी स्थान है जिसका साइज नहीं होता। पहले हम समझते जंगल बड़े होते थे क्योंकि छोटे होते ही नहीं थे। अब जंगल बचे कहाँ हैं? वो भाई हमारी लैंड्स में, हमारे बैकयार्ड्स में, हमारे फार्म्स में और हमारे फार्म हाउसेज में, हमारे अर्बन एरियाज में, और जहाँ कहीं भी हमें स्ट्रेच ऑफ लैंड मिलता है, चाहे छोटा है या बड़ा है। हमारे पब्लिक पार्क्स में भी एक कॉर्नर में ऐसा जंगल तो जरूर होना चाहिए जो इतना डेंस हो उसको जंगल कहना बनता है। हम सफर कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इसका एक ही इलाज है जो कुदरत ने बना के रखा है, ट्रीज लगाने का, जंगल लगाने का। और जंगल लगाओ, अपने नेटिव जंगल लगाओ, नेटिव स्पीशीज को फिर वापस लेके आओ अपने घर के पास।